शर्जी ने नाम मेमन साहब हमारे साथ सुबाई वजीर इतलात उनसे बात करते हैं। शर्जी साहब बहुत शुक्रिया। सर क्या मालूम आते हैं आपके पास, ये फायरिंग कहाँ से की गई और कितने लोग जख्मी हुए हैं? देखिए जी, इस वक्त हतमी कोई मैं फिगर नहीं दे सकता, लेकिन इलेक्शन के लास्ट आवर्स में जो है वो कुछ लोगों ने धांधली करने के चक्कर में बदमाशी की है और चीफ मिनिस्टर सिंह ने सख्ती से हिदायत की है आईजी सिंह को कि जो भी इसमें मुलव्वस है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, जो भी गलत काम कर रहे हैं उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और फौरी तौर पर जो है वो सख्त एक्शन लिया जाए। और तो पुलिस और रेंजर्स दोनों जाए वक्त पे मौजूद हैं और कोशिश करेंगे चीजों को कंट्रोल में किया जाए। शर्जील साहब, लांडी का पोलिंग स्टेशन के हसास करार दिया गया था, यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले दायरे मौजूद थे? देखिए जी, मैं बताऊँ, मुख्तलिफ, ये बहुत बड़ा एरिया है, मुख्तलिफ एरिया जहाँ पे डंडे चल रहे थे, लाठियां चल रही थी, वहाँ पुलिस ने पहुंच के उन लोगों को बीच बचाव कराया है। लेकिन जो बाकी जगह है, बाकी जगहों पर जहाँ पे फायरिंग वगैरह हुई है, तो वो जहाँ पे पुलिस और रेंजर्स मौजूद नहीं थी वहाँ पे उन्होंने फायरिंग वगैरह की है, लेकिन वहाँ पे भी अब पुलिस और रेंजर्स पहुंच चुकी है। शर्जील साहब, कोई गिरफ्तारी हुई है अभी तक? जी, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन वो अभी कुछ तफसीलात जो आपको थोड़ी देर में दे। कोई पार्टी से ताल्लुक है जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया? जाहिर है किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के ही है, लेकिन फिलहाल तो जो गलत काम कर रहा है, जो दहशतगर्दी कर रहा है या जो इस तरह की रैगिंग करने की कोशिश कर रहा है उसको पुलिस गिरफ्तार कर रही है, लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टी कौन सी से ताल्लुक है वो आपको हम तफसीलात बता दें। शर्जील साहब, सूरत हाल अब कंट्रोल में है? बिल्कुल जी, पुलिस रेंजर्स मौके में मौजूद है और सूरत हाल इस वक्त जो है काफी हद तक कंट्रोल में है। और वो जो लोग फायरिंग कर रहे थे, अब वो वहां पर जितने भी लोग थे क्या सबको गिरफ्तार किया गया है जो खुला फायर कर रहे थे वहां पर? जहाँ जहाँ पे पुलिस को सराय के लोग नजर आए उनको गिरफ्तार किया है, जहाँ पे लोग फायरिंग कर रहे हैं या ऐसा कुछ चीज कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अब गलियों से भी बैठकर फायरिंग कर रहे थे और ताकि वहाँ पे खौफ और आस की सजा पैदा हो, तो उनके खिलाफ उनके लिए भी पीछे पुलिस सजा गई हुई है और उस वक्त कार्रवाई चल रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।